हेलो एवरीवन, दिस इज राजेंद्र मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर इन बॉटनी फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज बारा। हार्टली वेलकम यू ऑन दिस ई लेक्चर। बच्चों, हमने पिछले लेक्चर में प्रकाश संश्लेषण से संबंधित आवश्यकताओं का अध्ययन किया था, जिसमें कि हमने कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन स्रोत, प्रकाश और प्रकाश संश्लेषित वर्णकों का विस्तार से अध्ययन किया था। प्रकाश संश्लेषित वर्णकों में भी हमने क्लोरोफिल, कैरोटीनॉइड्स, फाइकोबेलिन्स और टेरिडिन्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है बच्चों, तो अब प्रकाश संश्लेषण की जो क्रियाविधि है उसको पढ़ने से पहले हम ये देख लेते हैं कि प्रकाश संश्लेषण क्यों आवश्यक है या प्रकाश संश्लेषण का महत्व क्या होता है। ठीक है बच्चों, इस टॉपिक को पढ़ने के बाद में हम बेहतर रूप से समझ पाएंगे कि जो इसकी क्रियाविधि है प्रकाश संश्लेषण की, इसमें बनने वाले जो विभिन्न उत्पाद है उनको इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है। ठीक है, तो हम प्रकाश संश्लेषण के महत्व को स्टार्ट करते हैं पढ़ना। प्रकाश संश्लेषण का महत्व, तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा सौर ऊर्जा का उपयोग करते हुए कार्बनिक पदार्थों का निर्माण होता है। क्या बोला कि जो प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है बच्चों, उसके द्वारा सौर ऊर्जा का उपयोग करते हुए, सोलर एनर्जी का उपयोग करते हुए कार्बनिक पदार्थ अर्थात शुगर या फिर एक तरह से मान लीजिए पादपों के लिए भोजन, उसका निर्माण होता है। जो यह प्रक्रिया संपन्न करते हैं उन्हें स्वयंपोषी कहते हैं और जिनसे अन्य सजीव पोषण प्राप्त करते हैं। ठीक है बच्चों, तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा जो स्वयंपोषी है वो सूर्य की ऊर्जा का प्रकाश का उपयोग करते हुए कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करते हैं, वो तो कहलाए स्वयंपोषी। अब इन स्वयंपोषियों से या फिर पादपों से अन्य सजीव भी तो पोषण प्राप्त करेंगे। जैसे मान लीजिए घास है, उसको मान लीजिए कोई सजीव खाता है तो इनडायरेक्टली वो ऊर्जा प्रकाश संश्लेषण से ही उत्पन्न हुई है। इसलिए हम कहते हैं कि समस्त जो मांस है वो घास है। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है बच्चों, एग्जाम में पूछ ली जाती है कि समझाइए कि समस्त मांस घास है, इसको स्पष्ट कीजिए। तो इसका स्पष्टीकरण यही है बच्चों कि जो प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है केवल पादपों में संपन्न होती है और केवल पादपों में ही यह क्षमता पाई जाती है कि वो सोलर एनर्जी को ट्रैप करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल के उपयोग के द्वारा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को संपन्न करते हुए अपने लिए भोजन या कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करें। अब ये भोजन हो या कार्बनिक पदार्थ का निर्माण हुआ, इसका उपयोग पादप स्वयं के लिए तो करेगा ही, लेकिन इस पादप को खाने वाले भी तो खाद्य श्रृंखला में अन्य सजीव है, तो ये जो सजीव है वो अप्रत्यक्ष रूप से जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा बना हुआ जो भोजन है या ऊर्जा है उसका उपयोग कर रहे हैं। तो जो भी उत्पादपों के अलावा जो भी उपभोक्ता है, उपभोक्ता को हम बोल रहे हैं यहाँ पर मांस, जैसे मान लीजिए टिड्डा है, ठीक है, मेढक है, सांप है या फिर बाज है ना, मोर है या फिर आप शेर है, मान लीजिए टॉप कंज्यूमर है, ठीक है, तो ये सब हम बोलते हैं मांस। ठीक है, समस्त मांस घास है, तो समस्त जो उपभोक्ता है
एक तरह से वो घास है, क्योंकि अप्रत्यक्ष रूप से वो जो पादप है या जो घास है उसकी ऊर्जा का उपयोग करके ही जीवित रह रहे हैं, और वही ऊर्जा प्रकाश संश्लेषण की जो ऊर्जा है वही खाद्य श्रृंखला में आगे ट्रांसफर होती जाती है अप्रत्यक्ष रूप से। इसलिए कहा गया है कि समस्त जो मांस है वो घास ही है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण द्वारा सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। बच्चों जो फोटोसिंथेसिस का जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर था उसमें मैंने आपको बताया था कि प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें कि सोलर एनर्जी को ट्रैप करके उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, और यह विभिन्न प्रक्रियाओं में प्रयुक्त होगी, जो बनी हुई रासायनिक ऊर्जा है विभिन्न जैव रासायनिक प्रक्रियाओं में काम आएगी। तो वह खाद्य श्रृंखलाओं के द्वारा अन्य सजीवों में स्थानांतरित होती रहती है। जो केमिकल एनर्जी है वह खाद्य श्रृंखलाओं द्वारा अन्य सजीवों में स्थानांतरित होती रहती है आगे। इसलिए कहा गया है कि समस्त जीवधारी जो है बोतल बंद आतप है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है बच्चों की, स्पष्ट कीजिए, समस्त जीवधारी बोतल बंद आतप है, इससे आपका क्या आशय है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा सोलर एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। केमिकल्स जैसे आपको आपने रसायन विज्ञान की प्रयोगशाला में देखे हो, बोटल्स में रखे होते हैं, वो केमिकल एनर्जी है। तो उसी रूप में मान लीजिए हम उसको देखते हैं कि ये सोलर एनर्जी जो है केमिकल एनर्जी में चेंज हो गई। अब यही केमिकल जो एनर्जी है ये खाद्य श्रृंखलाओं की प्रक्रिया के द्वारा एक से अन्य और दूसरे सजीवों में स्थानांतरित होती रहती है, लेकिन है तो अल्टीमेटली वो केमिकल एनर्जी ही। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि समस्त जीवधारी जो है बोतलबंद आतप है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है बच्चों उसके द्वारा पादप के शुष्क भाग में वृद्धि होती है। प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है उसके द्वारा पादप के शुष्क भाग में वृद्धि होती है, उसका वजन बढ़ता है। वह पादपों के भागों का उपयोग ईंधन आदि के रूप में मनुष्य द्वारा किया जाता है। तो यह मनुष्य के लिए उपयोगिता हो गई कि इस प्रक्रिया के द्वारा, क्योंकि पादप का शरीर बढ़ता है उसके भार में वृद्धि होती है, और इन्हीं पादप भाव का उपयोग हम ईंधन आदि कार्यों में करते हैं। तो ये भी प्रकाश संश्लेषण का एक अप्रत्यक्ष रूप से महत्व हुआ। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा एक मिनट बोल दीजिए बच्चों, हाँ बच्चों, तो ये नेक्स्ट जो है इसका इम्पोर्टेंस है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कर ऑक्सीजन की उत्पत्ति होती है, अतः इससे वायुमंडल शुद्ध रहता है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड जो है पादपों द्वारा ग्रहण की जाती है और ऑक्सीजन को वायुमंडल में छोड़ा जाता है। तो हम कह सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा वायुमंडल शुद्ध रहता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है लास्ट, प्रकाश संश्लेषण द्वारा संग्रहित ऊर्जा विभिन्न सामग्रियों के रूप में पादपों द्वारा उपलब्ध कराई जाती है, इसका उपयोग की सजीव करते हैं। ठीक है, तो ये मोटे मोटे जो है हमारे प्रकाश संश्लेषण का महत्व है। पहला इसका पॉइंट था प्रत्येक मांस घास है, दूसरा समस्त जीवधारी बोतल बंद आतप है, शुष्क भार में वृद्धि होती है, CO2 का उपयोग और O2 की उत्पत्ति होती है, और विभिन्न सामग्रियों के रूप में पादपों द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है जो इसकी संग्रहित ऊर्जा होती है वो। ठीक है, तो ये हमने कुछ इसके प्रकाश संश्लेषण का महत्व पढ़ा। मैं सोच रहा था कि कुछ साइट्स जो हैं वो क्या कहती हैं प्रकाश संश्लेषण के महत्व के बारे में।
वो देख लेते हैं इसमें कुछ खास नहीं है। हाँ इसमें मिल सकता है ये साइट ठीक है, इसका आप रेफरेंस के लिए उपयोग कर सकते हैं बच्चों। ठीक है तो देख लेते हैं एक लाइन में क्या है इसका, जूम कर दूं मैं। व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ द फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस प्लेज ए वाइटल रोल इन अवर इन्वायरमेंट। ठीक है, इन्वायरमेंट के लिए एक वाइटल रोल प्ले करता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। द होल लाइफ फॉर्म इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कैरिड आउट बाई प्लांट्स। जो संपूर्ण जीवन है बच्चों, वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पादपों द्वारा की जाने वाली प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया पर निर्भर है। अच्छी लाइन है, इसको आप लिख सकते हैं। इफ फोटोसिंथेसिस डज नॉट अकर इन प्लांट, देन प्लांट कैन नॉट सिंथेसाइज द फूड। प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो पादप जो है अपना फूड नहीं बना पाएंगे। दिस कॉजेस द, ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है इसमें, इन द एनवायरमेंट इम्बेलेंस होगा, ये इम्बेलेंस कह सकते हैं, इम्बेलेंस इन द एनवायरमेंट। द प्लांट्स विल नॉट प्रोड्यूस ऑक्सीजन, प्लांट्स जो है ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं करेंगे। एंड देयर नो एनिमल लाइफ विल बी एबल टू सर्वाइव ड्यू टू एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। बहुत महत्वपूर्ण है ये हमारे लिए। अगर प्लांट्स ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं करेंगे, और ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है फोटोसिंथेसिस से, यानी कि फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो ऑक्सीजन नहीं बनेगी, ऑक्सीजन नहीं बनेगी तो कोई एनिमल लाइफ नहीं होगी और सर्वाइवल रेट जीरो हो जाएगा। वी विल नॉट गेट ऑक्सीजन, फूड और लाइफ ऑन द प्लेनेट विल बी एक्सटिंक्ट। कुछ भी नहीं बचेगा, ऑक्सीजन नहीं होगी, फूड नहीं होगा और लाइफ नहीं होगी, जीवन नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो ये थोड़ा इसका ये था, एक और साइट्स पे आप जाके देख लेना, अगर कुछ आपको और बेहतर मिलता है तो उसको आप कर सकते हो। ठीक है तो दैट्स इट, आज का जो लेक्चर है बच्चों, मैं यही समाप्त करता हूँ। प्रकाश संश्लेषण का महत्व हमने पढ़ा है, इन सब जो है वीडियोस इसमें जो स्लाइड्स वगैरह बनाई जा रही है बच्चों, इनको आप नोट डाउन कर लेना अगर आप चाहो तो, ताकि आपको रिवीजन के टाइम पे आसानी रहे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।